बड़का बड़का इतना किताब जो दिख रहा है और इतना इन्हें कोठरी में भोरल है, ये सब किताबा दिखाने के लिए रखे हैं कि पढ़वो करते हैं। देखिए आंदोलन किया हम लोग, लाठी खाए, मार खाए, आप लोग भी लाठी मार खाए, कपार फूटे पूरा। अब अगर यदि आगे प्लानिंग नहीं होता है उन लोगों के लिए, हमेशा आप लोग आंदोलित नहीं रहते हैं, तो फिर आप लोग जैसे छात्र नेता इस तरह का अगर दब जाइएगा, किसी न किसी रूप में नहीं आते रहिएगा, तो फिर कैसे वो लोग तैयार रहेंगे। इतना मोटका मोटका किताब कोई पढ़ेगा, इतने मोटे मोटे किताब तो कहाँ होगा, ऐसा आंखियों चश्मा नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा, बताइए। ये किसके लिए आंखियों चश्मा लगल है बताइए, ये चश्मा जो लगल है एक तरफ से छात्र सबों के लिए लगल है, ये हर तरह से छात्र के लिए, हर तरह से हर मुद्दा को लेकर के ये उठाते रहते हैं, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, चाहे किसी तरह का वैकेंसी का मामला हो, हर मामला में इनका नजर रहता है, आप इनको देखते रहते हैं। आज इनसे हम रूबरू हुए हैं और आपको बढ़िया से ये बताने का काम करेंगे कि आखिर इतना मोटा मोटा जो किताब रखे हैं तो क्या पढ़वो करते हैं कि खाली रखे हैं, तो चीज जानते हैं। तो सबसे पहले जोहार दा, बड़का दा जोहार। आज इतना इतना बड़का बड़का किताब, मैं हूँ झारखंड, ये बड़का बड़का इतना किताब जो दिख रहा है और इतना इन्हें कोठरी में भोरल है, ये सब किताबा दिखाने के लिए रखे हैं कि पढ़वो करते हैं। देखिए सबसे पहले कि तमाम जितने भी है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दादा का, और सपोर्ट झारखंडी होने के नाते सबको सपोर्ट कीजिए, अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेंगे। और दादा का प्रश्न एक नंबर था कि आप दिखाने के लिए रखें या भी पढ़ते भी, तो देखिए मेरा जो है सिलेबस जो है सचिवालय का, इसमें 60 दिए हैं दीवार में और ऊपर में 60-40 का ना चलते हुए नारा मेरा ही था, तो ऊपर में डाल दिए हैं ऊपर में, और जो भी है अपना प्रक्रिया, और हम खुद स्टूडेंट हैं और खुद हम तैयारी कर रहे हैं। और मेरा आंदोलन करने का मकसद था बड़का दादा कि सचिवालय के जो फॉर्म भरे थे सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जो हम लोग फॉर्म भरे थे तो कहीं ना कहीं हम लोग का नुकसान हो रहा था, इसलिए दबे कुचले आवाज़ को उठाएं और जन जन छात्रों तक, जन जन जनताओं तक, झारखंड के जनताओं तक इस आवाज को फैलाएं 60-40 नहीं चलते। और आज देखिए 60-40 का जो बैनर लगा हुआ देख सकते हैं, कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाइए, 60-40 नहीं चलते, ये किनका नारा था, ये इन्हीं का नारा है, ठीक है। वहां लिखा है प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण है ना, तीनों चरण में इनका कैसे कैसे आंदोलन था सारे कुछ सेटल है इसमें, 10 तारीख 25 तारीख है ना, सारे कुछ 26 तारीख, इस तरह का पूरा प्लानिंग के साथ इन लोगों ने जे एसएससीयू की तरफ से जो 60-40 ना चलते उसके लिए जो विरोध कर रहे थे उनका कार्यक्रम का शेड्यूल तैयार किया गया है। अब देख सकते हैं इस तरह से एक महापुरुष का, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का भी एक फोटो लगा कर रखे हैं, कहीं ना कहीं इनसे ये प्रेरणा लेते हैं और आप लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाई देखिये विनोद बिहारी महतो जिस तरह से हम सबों के लिए बोलते थे पढ़ो और लड़ो का ये जो नारा दिए हैं उनको कहीं ना कहीं ये बखूबी निभा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज इतना सारा किताब है, कहीं कहीं ये पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ लड़ भी रहे हैं, और किसके लिए, अपने लिए ही सिर्फ नहीं, हम सबके लिए, आपके लिए भी, तमाम जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए। तो क्या इस तरह का इतना सारा मोटा मोटा जो किताब है इनको पढ़ने का मतलब समझ सकते हैं कि क्यों पढ़े और लड़े भी, आपके लिए भी लड़ रहे हैं, हमारे लिए भी, सबके लिए भी लड़ रहे हैं, इसलिए इनको सपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ दादा ये भी कहेंगे कि जैसे अभी आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं शायद, इस तरह का हमको पता चलता है, जी, जी, है ना, तो वो क्या ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हैं? देखिए वो जो है स्पेशल जो है जो एक्साइज कॉन्स्टेबल का है और जेसीसी सीजन का जो खोटा बैच चलता है उसका स्पेशल लेते हैं, और फिलहाल उसका जो है अभी जो मेरा एग्जाम के चलते उसको स्टॉप कर दिए हैं, क्योंकि पहले नौकरी उसके बाद कहीं सेवा, तो क्योंकि अपना मजबूत करना है उसके बाद ही ओपन करना है, तो अभी फिलहाल तो अभी अपना ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अक्टूबर में जो है एग्जाम है, अक्टूबर में तो कहीं ना कहीं सचिवालय का भी फॉर्म दादा कि अभी उसी के लगे हुए हैं। तो दादा अभी जैसे ये 60-40 ना चल तो ये अभी अस्थगित दिख रहा है एक तरह से, है ना, अभी इसका कोई प्लानिंग, नया प्लानिंग है अभी? इसका नया प्लानिंग कुछ नहीं है दादा, अभी फिलहाल एग्जाम है, और अगर हम प्लानिंग करते हैं दिल्ली जाने का था तो देखते हैं कि कितना बाढ़ उड़ रहा था, इसके वजह से दिल्ली भी स्टॉप हो गया, और फिलहाल अभी एग्जाम 60-40 में वर्तमान में सरकार ले रही है, हम लोग भी मजबूरी में देना पड़ रहा है, अगर एग्जाम फिर नहीं देते हैं सीट कब्जा नहीं करता तो फिर बाहरी लोग हो जाएगा। अच्छा ये भी है दादा कि जैसे 60-40 नए चलतों के जो नारा आप दिए उनके साथ साथ देवेंद्र नाथ महतो भी है ना मेन प्रमुख, वे भी प्रमुख है भी है ना जेएससीयू का। अब बताइए कि
ये अगर यदि इस तरह का अगर प्लानिंग आप लोग नहीं आगे शेड्यूल तैयार करते हैं तो कहीं कहीं ये तमाम जो श्रोता है जो दर्शक हैं उनके प्रति थोड़ा सा विश्वास डाउन होगा, कहेंगे कि भाई अब कहाँ चला गया भाई, इतना दिन से आप जैसे आंदोलन किए, हम लोग लाठी खाए मार खाए, आप लोग भी लाठी मार खाए कपार फूटे पूरा, अब अगर यदि आगे प्लानिंग नहीं होता है उन लोगों के लिए, हमेशा आप लोग आंदोलित नहीं रहते हैं तो फिर आप लोग जैसे छात्र नेता इस तरह का अगर दब जाइएगा, किसी न किसी रूप में नहीं आते रहिएगा तो फिर कैसे वो लोग तैयार रहेंगे। देखिए दादा आपका कहना एकदम जायज है कि 740 के इतना दिन 6 महीना आंदोलन करने के बाद आप लोग जो है अचानक गायब हो गए हैं, ये भी एकदम 100% आपका जायज है, कहना भी जायज है, क्योंकि छात्र उम्मीद करता था तब रांची आता था और आंदोलन करते थे पूरे झारखंड में, आपका वही कहना जायज है और हम भी दुख होता है सरकार के प्रति, बहुत सारा जो है आंदोलन किए, लाठी भी खाए, FIR भी खाए और एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान भी किए थे, लेकिन पुलिस आने की वजह से हम चुपचाप हो गए और 4 गिरफ्तार, और सरकार डर के वजह से अभी ऐसा नियम बना दिया है कि बिना प्रूफ का आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, आवाज नहीं उठा सकते हैं, यानी तो नहीं तो फिर 10 साल के लिए आपको जेल हो जाएगा। अच्छा, ये जो अभी जो प्रेजेंट में जो काला कानून लाया है, जिसको काला कानून नाम दिया जा रहा है ये विधानसभा की ओर से, कि ना कोई बोल सकता है ना कोई लड़ सकता है ना अपना हक अधिकार के लिए बोल सकता है, ये इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये दृष्टि जो है घोर अन्याय है। हम तो पहले सफेद अंग्रेज लोग रहते थे, आज कहीं ना कहीं यहाँ जो है अंग्रेज जो है काला अंग्रेज बनकर आए हैं और कहीं ना कहीं इस काला नीति को बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है, अन्याय है। एक छात्र अगर अपना दर्द को बाया नहीं, आवाज नहीं उठाएगा तो कहाँ जाएगा, क्योंकि एक छात्र होता ही है कि मीडिया सोशल साइट के माध्यम से एक सस्ता आवाज है कि उठा सकते हैं। अब न्यूज पेपर वाला पास जाइए तो पैसा लेता है 500-1000 छापने के लिए, एकमात्र है सोशल साइट, सोशल साइट में आवाज उठाते हैं आप लोग के थ्रू में अपना थ्रू, तो कहीं कहीं सरकार तक पहुंचते, तो कम से कम आवाज उठाने के लिए सरकार को कम से कम ये नियम, ये कहीं कहीं आप कह रहे हैं कि भाई ये जो कानून बनाया है, ये कानून जो लाया है ये गलत है, 100% ये नहीं चलना है, नहीं चलेगा, है ना, ये आप समझ सकते हैं कि ये जो काला कानून जो लाए हैं ये नहीं चलेगा, ऐसा कहना छात्र नेता योगेश भारती का है, ये कानून हरगिज नहीं चलेगा। और उसके बाद जस की तरफ से या कोई अदर पार्टी से इस तरह का पीस आजमाइएगा कि क्या करिएगा। देखिए ये दादा भविष्य में लेके नहीं चलते हैं कि हम क्या कर, मतलब कि वर्तमान में चलते हैं कि अभी मेरा एग्जाम है तो वर्तमान में चल रहा है, उस समय 2024 में देखेंगे, और मेरा कोई चुनाव लड़ने का मकसद उस समय उस चुनाव नहीं था, हम प्लानिंग 5 दिन 1 सप्ताह पहले किए थे और उसके बाद ही उतरे थे, कोई मतलब जो चुनाव में उतरने वाला था कई सालों से सोचते रहता है कि हमको चुनाव लड़ना है, उसके लिए धन इकट्ठा करता है लड़ता है, मेरा उससे कुछ नहीं है, प्लानिंग मेरा जैसा सिचुएशन रहेगा सिचुएशन के आधार पर हम ढालेंगे और उसके अनुसार से हम करेंगे, अगर सक्षम रहेंगे लड़ने लायक तो लड़ेंगे, अन्यथा नहीं लड़ेंगे।